नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। दुनिया के सात अजूबों के बारे में आप सबने सुना होगा, लेकिन क्या आप अपने भारत के बारे में जानते हैं कि भारत एक नहीं बल्कि कई मामलों में अद्भुत देश है। इसलिए तो देश को अतुल्य भारत कहा जाता है। यहाँ कई ऐसे अजूबे हैं जिनके बारे में सुनकर व्यक्ति दांतों तले उंगली दबा लेता है और कईयों को विश्वास नहीं होता, और जिनको विश्वास नहीं होता उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के जरिए हम आपको भारत की सैर करा रहे हैं, उस कोने की जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। चलिए पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हवा में ऊपर उठने वाला पत्थर। महाराष्ट्र में पुणे के पास एक छोटा सा गांव शिवापुर है, जहां पर हजरत कमर अली दरवेश का स्थान है। कहते हैं कि वर्तमान स्थल पर 800 वर्ष पूर्व एक व्यायामशाला थी। कमर अली नाम के सूफी संत का वहां कुछ पहलवानों ने मजाक उड़ाया। संत ने बॉडी बिल्डिंग के लिए रखे पत्थरों पर अपना मंत्र फूंक दिया। यहां 70 किलो का वजनी पत्थर मात्र 11 उंगलियों के छोरों के छूने और संत का नाम जोर से लेने भर से हवा में उड़ जाता है। आज भी संत कमर अली का नाम लेने भर से पत्थर चमत्कारी ढंग से उठ जाता है। काले जादू का देश मयोंग, जो कि असम में है। मयोंग आज भी रहस्य बना हुआ है और इसे काले जादू की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये गांव गुवाहाटी शहर से 40 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि मयोंग का नाम संस्कृत शब्द माया या भ्रम से लिया गया है। कहा जाता है कि यहाँ लोग गायब हो जाते हैं, लोग जानवरों में बदल जाते हैं, जंगली जानवरों को पालतू बना लिया जाता है। मयोंग सेंट्रल म्यूजियम में आयुर्वेद और काले जादू के बहुत से प्राचीन अवशेष यहाँ पर मौजूद हैं। रूपकुंड झील या फिर कंकालों की झील, जो कि चमोली उत्तराखंड में है। ये झील बर्फ से ढकी और चट्टानों से बिखरे ग्लेशियरों से भरी है। इसे कंकाल झील या रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है, और इस झील का सबसे बड़ा आकर्षण 600 से ज्यादा कंकाल हैं जो कि इस झील से पाए गए थे। ये 9वीं सदी के हैं और जब बर्फ पिघलती है तो इसका तल स्पष्ट दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि बाहरी लोगों की आवाजाही से स्थानीय देवता लातू नाराज हो गए और उन्होंने इस रास्ते में भयानक बर्फीला तूफान भेज दिया था, जिससे इन लोगों की मौत हो गई थी। उन्हीं के कंकाल माने जाते हैं। जातिंगा, असम में पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या, जिसका रहस्य आज तक पता नहीं चल पाया है। असम के बोरिल पहाड़ों में बसा सुरमय गांव जातिंगा प्रत्येक मॉनसून में विचित्र दृश्य का साक्षी बनता है। सितंबर और अक्टूबर के मध्य यहां पर घनी और धुनवाली रातों में सैकड़ों की संख्या में प्रवासी पक्षी पूरी गति से पेड़ों या इमारतों से टक्कर मारते हैं। इस सामूहिक आत्महत्या की घटना पर सबसे पहले 60 के दशक में प्रसिद्ध प्रकृतिवादी ईपीजी ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अभी तक इसका रहस्य नहीं सुलझा है। जुड़वा बच्चों के नगर, कोदिनी जो कि केरल में है, उमरी जो कि इलाहाबाद में है। केरल के मल्लपुरम जिले में एक छोटा सा कस्बा कोदिनी है, जिन्हें सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल दिया है। इसी को लेकर 2000 की आबादी में से एक जैसे जुड़वा बच्चों की 350 जोड़ियां हैं। इसे ट्विन टाउन भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर प्रत्येक 1000 जन्मों पर 6 जोड़ियां जुड़वा बच्चों की होती हैं। वहीं इलाहाबाद के पास मोहम्मदपुर उमरी की भी यही कहानी है। गांव के कुल 900 लोगों की जनसंख्या में 60 से ज्यादा जुड़वा बच्चों की जोड़ियां हैं, लेकिन बहुत के लिए ये ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं है। लद्दाख का चुंबकीय पहाड़। जो भी लद्दाख गया होगा उसे जरूर इस बारे में पता होगा। लेह लोगों को काफी पसंद है, और जब आप लेह के लिए जाते हैं तो आपको रास्ते में चुंबकीय ताकत वाला पहाड़ मिलेगा, जो कि समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। समझा जाता है कि इस पहाड़ में चुंबकीय ताकत है, जो कि लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। जब कारों का इग्निशन बंद कर दिया जाता है तब भी कारें इसकी ओर खींची चली आती हैं। ये एक वास्तविक रोमांचक अनुभव है। इसे दुनिया की ग्रेविटी हिल में गिना जाता है। चरस के लिए कुख्यात मैलाना, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित मैलाना को भारत का एक छोटा सा यूनान भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय निवासियों का मानना है कि वे सिकंदर महान के वंशज हैं। ये प्राचीन गांव सारी दुनिया से कटा हुआ है। इस गांव में केवल 100 घर हैं, लेकिन इसे सबसे ज्यादा प्रभावकारी चरस के लिए जाना जाता है।
एशिया का सबसे साफ गांव मावली लोंग मेघालय। चेरापुंजी के मावली लोंग गांव को ईश्वर का अपना बगीचा कहा जाता है। इसे एशिया का सबसे ज्यादा साफ गांव होने के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। पर्यावरण आधारित पर्यटन को उन्नत बनाने का यह प्रयास है। आश्चर्यजनक बात है कि इस गांव में साक्षरता की दर 100% है और ज्यादातर गांव वाले धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं। बिना दरवाजों का गांव शनि शिंगणापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये गांव पूरे देश में शनि मंदिर के लिए जाना जाता है। इस गांव में कभी कोई अपराध नहीं हुआ और इसे शनिदेव का आशीर्वाद माना जाता है। गांव के लोगों को अपने देवता पर भरोसा है और उन्होंने गांव की रक्षा को उनके भरोसे छोड़ रखा है। इस कारण से गांव के घरों और कारोबारी इमारतों में ना तो दरवाजे हैं, ना ही कोई डोर फ्रेम होता है। गांव की शून्य अपराध दर को ध्यान में रखते हुए यूको बैंक ने इस गांव में लॉकलेस शाखा खोली है। ये भारत में अपने किस्म की पहली शाखा है। चूहों का मंदिर करणी माता का मंदिर, जो कि राजस्थान में है। इस मंदिर के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बताना जरूरी है। बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे को देशनोक कहा जाता है, जहां पर करणी माता का मंदिर है। इस मंदिर में 20,000 से ज्यादा चूहे हैं और इन्हें कब्बास कहा जाता है। मंदिर में इनकी पूजा की जाती है क्योंकि माना जाता है कि वे करणी माता के परिजन हैं। सांपों की भूमि शेतपाल, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के शोलापुर जिले का शेतपाल गांव सांपों की पूजा के लिए जाना जाता है। इस गांव में एक प्रथा है जिसे डरावनी समझी जाती है, क्योंकि इस गांव के प्रत्येक घर में छतों की शहतीरों में कोबरा सांपों के लिए रहने का स्थान बनाया जाता है। हालांकि यहां प्रत्येक घर में सांप मुक्त रूप से घूमते हैं, लेकिन सांप के काटने का कोई मामला यहां सामने नहीं आया। मुर्दों के साथ भोजन। न्यू लकी रेस्टोरेंट, जो की अहमदाबाद में है। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि एक ही समय पर अस्वस्थ कर और आश्चर्यजनक है। न्यू लकी रेस्टोरेंट का वातावरण कुछ अलग है, क्योंकि ये कॉफी हाउस एक सदियों पुराने मुस्लिम कब्रिस्तान पर बना है। टेबलों के बीच में ही कब्रें हैं और कहा जाता है कि 16वीं सदी के एक सूफी संत और उनके भक्तों की है। इस रेस्टोरेंट में हमेशा ही लोगों की चहल पहल रहती है और उसके मालिक का कहना है कि कब्रें उनका भाग्यशाली शुभंकर है। नौकालिकी झरना, जो कि मेघालय में है। चेरापुंजी के पास से भारत का सबसे ऊपर से गिरने वाला यह झरना है, जो कि 1115 फीट की ऊंचाई से गिरता है। बरसात के पानी से बनने वाले इस झरने का नामकरण एक महिला का निकाई की दुखद कहानी पर आधारित है। अपने पति की मौत के बाद कालिकाई ने दोबारा विवाह किया, लेकिन उसके दूसरे पति ने उसकी बेटी की हत्या कर उसके अंगों का भोजन बना लिया, जिससे हताश होकर मां झरने से गिरकर अपनी जान दे देती है। इस तरह इस झरने का नाम कालिकाई का झरना हो गया। झूलता खंबा, लिपाक्षी, आंध्र प्रदेश। बहुत से प्राचीन अवशेषों और वस्तु शिल्प के आश्चर्यों का एक घर है। इनमें से एक है लिपाक्षी मंदिर का झूलता हुआ खंबा। मंदिर के 70 खंभों में से एक बिना किसी सहारे के लटकता है। आगंतुक इस खंभे के नीचे से बहुत सारी वस्तुओं को डालकर तय करते हैं कि इस खंभे को लेकर किए जा रहे दावे सच हैं या फिर नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली वृक्ष का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इंसानों और भगवान की रचनाओं को मिलाने का समारोह। इस द्वीप की सुंदरता स्वर्ग जैसी है। ये एक लोकप्रिय सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है, जो कि श्रीमंत शंकर देव के विचारों को प्रसारित करता है। इस चैप्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर लौटेंगे नए चैप्टर के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें।